हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इजी वेज। आज की जो रेसिपी है वो है पास्ता। ये मार्केट में आसानी से अवेलेबल रहेगा। इसके लिए जो भी इंग्रेडिएंट्स हम यूज़ करेंगे वो आप स्क्रीन पर इस तरीके से देख सकते हैं। और ज़्यादा जानकारी के लिए, इसके बारे में जानने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएँ और इनकी क्वान्टिटी, जिस तरीके से सब कुछ डाला गया है उसके अंदर, आप सारी चीज़ें समझ सकते हैं। इसका जो मेथड है बनाने का वो बहुत ही इजी रहेगा, आप आराम से इसको बना सकते हैं। तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। एक बर्तन में हम क्या करेंगे, पानी ले लेंगे हम, 2 से 3 ग्लास हम इसमें पानी डाल देंगे। एक बॉईल आने तक पानी को अच्छे से गर्म होने दें। अब हम इसमें 2 से 3 स्पून ऑयल डाल देंगे, जिससे क्या होगी कि पास्ता एक चिपकेंगे नहीं। इसमें ऑयल डाल दिया हमने। अब ये 1.5 कटोरी हमने पास्ता ले लिया है, गर्म पानी में पास्ता डालेंगे, ठंडे पानी में बिल्कुल ना डालें। 1.5 कटोरी पास्ता लिया है, बीच बीच में नाइफ की हेल्प से आप चेक कर लें कि पास्ता पक गए अच्छे से कि नहीं। 5 से 10 मिनट में पास्ता अच्छी तरह से पक जाएंगे। अब इसका पानी जो है छान लेंगे हम, फेंक देंगे एक्स्ट्रा पानी। अब हम ये 3 से 4 चम्मच हम इसमें ऑयल डाल देंगे। अच्छे से ऑयल को गर्म हो जाने दें। 7 से 8 लहसुन है और 1 पिंच अदरक है, इसका हम पेस्ट डाल देंगे, लहसुन अदरक का 1/2 स्पून। 2 मीडियम साइज़ की हमने प्याज को चॉप कर लिया था, इसमें पूरी प्याज डाल देंगे। 2 से 3 हरी मिर्च लेंगे हम, बड़ी सी, ये लंबी हरी मिर्च थी इसलिए ज़्यादा है, ये डाल देंगे हम पूरी इसमें। अब ये प्याज को हम 3 से 4 मिनट तक गोल्डन ब्राउन कलर होने तक अच्छे से भून लेंगे, कच्ची ना रहे प्याज, ये ध्यान रखें। 1 पिंच हम इसमें मिर्ची पाउडर डालेंगे, हरी मिर्च तेज है इसलिए कम डालें। 1/2 चम्मच नमक डालेंगे हम, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें आप। काली मिर्च का पाउडर डालेंगे हम 1/4 स्पून। ये हम मैगी मसाला लेंगे 1/3 स्पून, ये मैगी मसाला डाल देंगे, आपको जितना पसंद हो आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। 1 चम्मच ये हमने वो लिया था कॉर्नफ्लावर, तो इसको हम ठंडे पानी में मिलाएंगे, डायरेक्ट डाल देंगे तो उसमें लम्स पड़ जाएंगे और पूरा पास्ता ख़राब हो सकता है, इसलिए ऐसे ही मिलाकर इसमें डाल दें। अब हमने एक बड़ा टमाटर लिया था, इसको चॉप कर लिया था, ये मिक्स कर देंगे हम इसमें। ध्यान रखें कोई भी चीज़ जले ना, स्लो फ्लेम पर ही करें। ये स्वीट कॉर्न लिए थे हमने रेडीमेड, 1/2 चम्मच हम इसमें पास्ता सॉस मिला देंगे। 3 से 4 चम्मच हम इसमें टमाटो केचप मिलाएंगे, आपको और ज़्यादा खाना पसंद हो तो ज़्यादा भी इसमें मिक्स कर सकते हैं, मिलाते रहें लो फ्लेम पे। ये पास्ता हमारे अच्छे से हो गए थे, छान लिया था पानी, अब हम इसको डाल देंगे बॉइल्ड। स्लो फ्लेम पर ही चलाएं, ध्यान रखें वरना पास्ता नीचे चिपक सकती है और ख़राब हो सकती है। थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएं, अगर ज़रूरत हो तो ही। ये मैंने मेयोनीज़ यूज़ करी है, अगर आपको नहीं डालना हो इसमें मेयोनीज़ तो रहने दें। थोड़ा सा बटर भी डालेंगे हम इसमें, 1/2 चम्मच से कम हम इसमें अब बटर डाल देंगे। मैंने कुछ फ्रेश धनिया पत्ती भी लिया हुआ है, आप इसको डाल दें अच्छे से, मिक्स कर लें। 5 मिनट तक ऐसे ही पकने दें, अच्छा एब्जॉर्ब कर लेगा मसाले वगैरह। ये देखिए इसका कलर कितना प्यारा आएगा और ये खाने में काफ़ी अच्छे लगेंगे। ये थोड़ा इंडियन स्टाइल पास्ता है, आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी, एक बार इसको ज़रूर ट्राई करें। अच्छे से पक गए हैं ये। एंड प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।